हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आपका दोस्त एंड दोस्त अभिषेक कुमार, और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम इस समय ढेला गेट की ओर और यहां से निकल के जाएंगे वापस रामनगर तक। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे इधर की साइड देखिए, इधर की साइड है बिल्कुल घना जंगल। और ये जो गेट है, अक्सर अंदर की साइड ही नहीं, बाहर की साइड भी होती है एनिमल्स की साइटिंग। तो अभी चलेंगे यहाँ से वापस निकल के और देखते हैं रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है। तो बने रहे ऐसे इस ब्लॉग में, ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों, ये देखिए इधर की साइड कुछ बोर्ड लगा है, वनों को आग से बचाएं। पर दोस्तों, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तब ये दिक्कत खत्म हो गई। और ये देखिए दोस्तों, इधर की साइड कुछ लोग जंगल सफारी करने आते हुए, और इधर की साइड कुछ गाइड भी खड़े हैं। तो आप यहाँ से गाइड और बाइनोकुलर भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये परमिट की कर रहे हैं चेकिंग। तो चलते हैं वापस रामनगर की ओर। तो चलते हैं वापस दोस्तों कुछ रामनगर की ओर। और इधर की साइड इस समय भी चल रही है जंगल सफारी। तो दोस्तों, जो वन्य प्रेमी हैं, वो अक्सर हर मौसम में जंगल सफारी करना चाहते हैं, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी और जंगल में भी जानवर आराम से दिख जाते हैं। और इधर की साइड बोर्ड लगा है, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी ढेला। तो ये यहाँ पे पुलिस चौकी भी बनाई हुई है, क्योंकि इधर की साइड पीछे की साइड है गांव। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि इस बरसात के मौसम में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि एलिफेंट भी देखने को मिल जाए। और दोस्तों, नसीब है इधर टाइगर भी अचानक रोड साइड आ जाता है। तो चलते हैं और देखते हैं। इधर की साइड है ढेला गांव, अंदर की साइड ढेला गांव है, जिसमें अक्सर महिलाओं पे या बच्चों पे कई बार टाइगर ने अटैक कर दिया। जो महिलाएं अंदर जंगल में जाती हैं लकड़ियां लेने, तो उन पे कई बार, अभी हाल फिलहाल ही 2-4 महीने पहले कई अटैक हो गए थे। फिर उस टाइगर को जाल लगा के किया गया रेस्क्यू। तो दोस्तों, ये आ गई ढेला रिवर, और अक्सर इसी ढेला रिवर में भी कई बार टाइगर घूमता हुआ मिल जाता है। ये देखिए क्या बेहतरीन पानी आया हुआ है, और पानी का प्रेशर काफी ज्यादा है। ये देखिए, अब आप सोच सकते हैं कि अब ये हाल है तो कल या परसों जो पानी आया था तो क्या हाल होगा। और अक्सर ये देखिए नीचे की साइड, यहीं पे अक्सर आपको टाइगर भी घूमते हुए मिल जाएगा। बस दोस्तों, ये लक बाई चांस है कि आपको उसी समय दिख जाए, वरना इस रेंज में अक्सर टाइगर क्रॉस करते हुए और देखने को भी मिल जाता है। देखिए इधर की साइड बोर्ड लगा है, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र है, बिना अनुमति के प्रवेश करना वर्जित है। तो यहाँ अंदर की साइड, ये देखिए, ये अंदर की साइड जाना है मना, क्योंकि यह है कोर टाइगर टेरिटरी। पर दोस्तों, जानवरों को नहीं पता कि कौन सी जगह जाना है और कौन सी नहीं, तो वो कहीं भी आ जा सकते हैं, और वो अक्सर रोड साइड भी आ जाते हैं। इसी रेंज में हमें दिखाई दिया था एक बिल्कुल बहुत बड़ा टस्कर एलिफेंट, जो रोड पर खड़े होके और आने आने वाली गाड़ियों पर कर रहा था अटैक। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि इस कोर टाइगर टेरिटरी में और क्या देखने को मिलेगा। ये देखिए, रामनगर है अभी 12 किलोमीटर। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं, क्या पता कोई टाइगर लेपर्ड, और इसी रेंज में भालू भी पाए जाते हैं, स्लॉट बियर, जो कि साइज में थोड़े छोटे होते हैं हिमालयन बियर से, पर वो इसी रेंज में पाए जाते हैं। आगे की साइड जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की रेंज है, उसमें नहीं पाए जाते। ये एकमात्र झिरना और ढेला रेंज में ही दिखाई देते हैं, जो टाइगर से भी ज़्यादा रेयर साइटिंग मानी जाती है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आगे की साइड क्या चीज़ देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, बरसात के बाद
ये देखिए दोस्तों, बरसात के बाद कुछ जंगल का सुंदर व्यू। और ये सब जगह बिल्कुल भयंकर पानी पानी था अभी 2 दिन पहले, और इस समय पानी का लेवल काफी कम हो चुका है, क्योंकि ये पहाड़ों से जो भयंकर पानी आता है, पहाड़ों पे बारिश होती है तो पानी सब नीचे की साइड ही बह के आता है, और रफ्तों में अक्सर पानी पानी मिलेगा। और आप गाड़ी तो छोड़िए, बस भी पार नहीं कर सकते, क्योंकि पानी का फोर्स काफी तेज होता है, और जब फोर्स तेज होता है तो अक्सर गाड़ियां भी बह जाती है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों तब तक ले तो दोस्तों तब तक ले जंगल का एंजॉय। ये देखिए कुछ ये जो रास्ते हैं ये काफी खतरनाक है। यहाँ लिखा है ये CTR 1 क्षेत्र है, प्रवेश वर्जित है, क्योंकि अक्सर ये जो आपको रोड सी दिखाई दे रही है, इन्हीं रोड पे टाइगर और एलिफेंट की मूवमेंट भी दिख जाती है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों साइलेंट होके चलते हैं आगे की ओर, और आप करिए तब तक जंगल को एंजॉय। ये देखिए सामने की साइड से आती हुई एक और जंगल सफारी की जीप, ये देखिए, और ये कुछ सामान लेके आते हुए। तो दोस्तों ये देखिए जंगल कुछ इस समय अलग ही अपने सुंदरता के चरम सीमा पे है। हम चलते हैं धीरे धीरे और दिखाते हैं आपको जंगल की खूबसूरती। और ऐसे ही दोस्तों चलते चलते अचानक सामने से टाइगर भी क्रॉस करके निकल जाता, या लेपर्ड भी हो सकता है, या एलिफेंट भी देखने को मिल जाता है। ये देखिए, ये देखिए अंदर की साइड क्या भयंकर पानी आया था, और ये देखिए पूरे बड़े बड़े पेड़ भी बहा के साथ में लाया। तो दोस्तों ये है बिल्कुल घना जंगल, और यहाँ कहीं भी आपको कुछ भी अचानक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये देखिए पानी का क्या प्रेशर था कि बड़े बड़े पेड़ भी टूटे हुए पड़े हैं। ये देखिए, और ये जंगल जितना शांत दिख रहा है उतना ही होता है खतरनाक, क्योंकि अचानक शांति जब होती है तभी कहीं से अचानक वाइल्ड लाइफ निकल के आ जाती है, तो यहाँ रुकना काफी खतरनाक है। तो चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए दोस्तों जगह जगह आपको पानी आने के बाद कुछ उसके बाद की, ये देखिए कैसे कैसे बड़े बड़े पेड़ भी बहा के साथ में लाया। तो जंगलों में से अक्सर क्या होता है कि पानी इकट्ठा होके सब तरफ का और फिर एक जगह से निकलता है। ये देखिए ये भी अंदर की साइड बिल्कुल घना जंगल, और यह है बिल्कुल कोर टाइगर टेरिटरी। यहाँ कहीं भी आपको टाइगर की मूवमेंट दिख सकती है। दोस्तों जगह जगह कुछ छोटे छोटे नदी नाले से, और इधर की साइड ये बोर्ड भी लगा हुआ है, ये वन्य जीव बहुमूल्य क्षेत्र है, कृपया वाहन धीमी गति से सावधानी पूर्वक चलाएं। और इधर बना हुआ है एलिफेंट का फोटो। ये देखिए ये पूरा क्षेत्र है कोर टाइगर टेरिटरी, और यहाँ अक्सर आपको एलिफेंट की मूवमेंट भी दिखाई दे जाएगी। एलिफेंट, टाइगर और लेपर्ड की मूवमेंट तो बहुत ज्यादा रहती ही रहती है, पर दोस्तों जिस क्षेत्र में टाइगर होगा तो वहाँ लेपर्ड की मूवमेंट थोड़ी कम दिखाई देती है। तो चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों यही वो बिल्कुल जगह है जहाँ हमें दिखाई दिया था टस्कर एलिफेंट। ये देखिए इधर की साइड खड़ा था कुछ टहनियाँ तोड़ तोड़ के, और फिर आ गया वो अचानक सड़क पे, और फिर करने लगा गाड़ियों पे अटैक। तो दोस्तों ये जंगल है, यहाँ कहीं भी कुछ भी दिख सकता है, और ना दिखने को कुछ भी ना दिखाई दे। ये जो झाड़ियाँ सी बड़ी बड़ी हो गई, अक्सर इन्हीं में टाइगर और लेपर्ड घात लगा के बैठते हैं, तो यहाँ रुकना बिल्कुल ही खतरनाक है। तो चलते हैं, चलते चलते ही आपको पूरे जंगल का जंगल दर्शन कराते हैं। ये देखिए इधर की साइड बोर्ड भी लगा है, योर वेस्ट माई होम। तो दोस्तों ये है बिल्कुल खतरनाक जंगल। तो दोस्तों मौसम की बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही 1-2 घंटे पहले पड़ी थी जबरदस्त बारिश। तो अक्सर बारिश पड़ने से क्या होता है, वाइल्ड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है,
और वो छुप के अंदर कहीं पेड़ के नीचे या आपने किसी गुफा सी में घुस जाते हैं, जिससे ज़्यादा भीगे ना, क्योंकि अक्सर भीगना ज़्यादा जानवरों को भी पसंद नहीं है। जब गर्मी होती है तब तो अच्छा लगता है, जब बारिश ज़्यादा पड़ने लगती है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मक्खी मच्छर और कुछ कीड़े भी काफ़ी परेशान करते हैं टाइगर को, एलिफेंट को और भी कुछ चीज़ों को, बार बार कीड़े करते हैं परेशान। तो दोस्तों ये जो आगे पिकअप चल रही है ये अचानक रुकी हुई थी, हमने कहा शायद यहाँ कोई वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट हो, पर इनसे पूछा तो इनकी गाड़ी का बैरिंग टूट चुका है। तो दोस्तों जंगल में अचानक ऐसी कोई ख़राबी आ जाए तो पड़ जाती है काफ़ी मुश्किल, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक आपको मकैनिक भी नहीं मिलेगा और मकैनिक जाके मिलेगा रामनगर। तो ये देखिए शाम के वक्त कुछ जंगल का सुंदर नज़ारा, और ये बिल्कुल घना जंगल, और यहीं पे आपको अचानक कुछ भी देखने को मिल सकता है। तब तक करते हैं जंगल को एंजॉय और चलते हैं आगे की ओर। तो ये देखिए बरसात के बाद जंगल काफ़ी घना हो चुका है। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाए, ये देखिए। ये देखिए जंगल काफ़ी घना और सुंदर हो चुका है। तो दोस्तों ये जंगल है और ये अपना पल पल रूप बदलता रहता है, गर्मी में कुछ और, बरसात में कुछ और, जाड़ों में कुछ और। जाड़ों में अक्सर वाइल्ड लाइफ आती है बाहर की साइड धूप सेकने, और गर्मी में देखेगी छाया भरा क्षेत्र। और दोस्तों बरसात में जब उसे गर्मी लगती है धूप में अक्सर बाहर की ओर निकलेगी, पर आज बिल्कुल धूप नहीं है। तो ये देखिए आगे की साइड ये कुछ रपटा सा जिसमें आया था अभी 2 दिन पहले भयंकर पानी। तो इसे एक बार फिर पार करते हैं और चलते हैं आगे जिम कॉर्बेट की तरफ। ये देखिए सामने इस रपटे में अभी 2 दिन पहले बहुत ज़बरदस्त पानी आया था। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ बह के साथ में आए हैं, और ये देखिए इसने मचाई खूब तबाही, घंटों लगा रहा है यहाँ जाम। और दोस्तों अपने हाथ मलवा, पेड़ और बहुत से वन्य जीव भी बहा के लाया, ये देखिए। ओह ओह, तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी तेज़ बहाव है, और ये देखिए ये बिल्कुल कोर टाइगर टेरिटरी है। ये ऊपर की साइड भी अभी काफ़ी घना जंगल है, और इसी जंगल में आपको लेपर्ड की मूवमेंट भी दिखाई दे जाएगी। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं आगे की, थोड़ा सा और जंगल रह गया कि क्या देखने को मिलता है, क्या पता अचानक कुछ देखने को मिल जाए। और आगे की साइड आ जाएगी फॉरेस्ट की चौकी, और ऐसे ही जगह जगह फॉरेस्ट में चौकियां बनी हुई हैं। ये देखिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विजिट अगेन, ये देखिए ये कुछ है कॉर्बेट की चौकी। तो दोस्तों ये देखिए कुछ जंगल सफारी की जीप आते हुए, ये देखिए दोस्तों इधर की साइड से कुछ पीकॉक की कॉलिंग आते हुए, हो सकता है कहीं अंदर की साइड टाइगर या लेपर्ड भी हो। तो दोस्तों अभी इधर अंदर की साइड से आई थी जबरदस्त कॉलिंग की आवाज़ पीकॉक की, हो सकता है कि यहीं कहीं टाइगर भी घात लगा के बैठा हो, क्योंकि जब जब टाइगर चलता है तो अचानक कॉलिंग होती है, और फिर जब वो बैठ जाता है तो कॉलिंग रुक जाती है। और अभी इधर की साइड से निकला येल्लो हॉर्नबिल, दोस्तों इधर की साइड अभी हॉर्नबिल भी था। तो दोस्तों यह है बिल्कुल कोर टाइगर टेरिटरी। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय,
और ऐसी सुंदर सुंदर जंगल की वीडियो देखने के लिए और जंगल की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।